नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो नवीन जी, आगे हैं हम दोनों लेके कौन सा शो? घर घर बिग बॉस। घर घर बिग बॉस, जी हाँ, घर घर बिग बॉस शो लेके आगे हैं। और एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करते हैं एक वीडियो से। तो वीडियो कौन सा लाए हैं नवीन जी आपके लिए, वो नवीन जी बताएंगे। आपको पता है जी, कल के एपिसोड में आपने कमेंट पढ़ा था जी, हिना थापा जी का। हाँ, तो मैंने हिना थापा जी को कहा कि आपका कमेंट बहुत बड़ा अच्छा था। तो उनका मैसेज है कि सर, मैं ये मेरा नहीं था। हाँ, ये मेरी बेटी है। अच्छा। और मैंने, वो बहुत सिद्धार्थ शुक्ला की फैन है। अच्छा। तो वो फिर उनका बच्ची का बहुत प्यारा वीडियो उन्होंने भेजा है। हेलो सर एंड मैम, गुड इवनिंग। मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे लगते हैं, और सना जी भी बहुत क्यूट है, और आसिम भी बहुत अच्छे लगते हैं। काश बिग बॉस 13 में पारस और मायरा ना होते। मैं चाहती हूँ कि ये बिग बॉस 13 सिर्फ सिद्धार्थ जी ही जीते, क्योंकि मुझे उनका अग्रेशन और उनका खेलने का तरीका और उनका प्यार और ओवरऑल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है नवीन जी, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात तो वैसे आपने ना, मतलब मैक्सिमम पब्लिक की ये डिमांड है जो आपने कहा कि काश घर में पारस और माहिरा ना होते तो। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक करेक्ट करना चाहूंगा कि हम पिक्चर भी देखते हैं, फिल्म भी देखते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही नहीं होता जिंदगी में भी। हर चीज अच्छी नहीं होती है, अप्स एंड डाउन, बुराई होती है तो ही अच्छाई का मजा आता है, तो ही अच्छाई की वैल्यू होती है। अगर पारस और माहिरा नहीं होते, खासकर माहिरा शर्मा नहीं होती, तो अच्छाई की वैल्यू ना होती, फिर तो लगता कि हाँ ना। एक चीज है, माहिर इरिटेट तो बहुत करती है। हाँ, ना ऐसा नहीं कि मतलब बेबुनियाद के झगड़े करती है, उससे मैं भी उतनी ज्यादा, मुझे भी इतनी पसंद नहीं है। खैर, अपनी पसंद है, अपने अपने टेस्ट है सबका, है ना, वो तो है। अब तो उनके पंख काट दिए हैं सलमान खान ने। हाँ, मगर बिग बॉस में पंख जितने मर्जी काट दो, फड़फड़ाहट जारी रहती है, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर जी आपका ब्यूटीफुल वंडरफुल वीडियो। बिल्कुल। तो आगे जो मैं आपको एक ऑडियो सुनाती हूँ नवीन जी, आप लोग पहले सुनिए, आप लोग भी सुनिए, हम लोग भी सुनते हैं, और फिर हम लोग उस ऑडियो के बारे में बात करते हैं। तो सुनिए ऑडियो ना, अपने YouTube चैनल पर जरूर दिखाना। लोग ना देखकर कभी किसी को ट्वीट पर गाली देते हैं, कभी किसको गाली देते हैं, उसने ये कर दिया। ये तो शो है, सभी गए हैं पैसा कमाने, ये बाद में सब शो से निकलकर इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे खाए पिएंगे, और लेकिन लड़ेंगे हमारे तुम्हारे जैसे लोग। आप लोगों को कहो कि शो को शो जैसा देखें और इंजॉय कीजिए, और किसी को गाली देना ट्वीट पर, वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसा मत कहो, शो को शो की तरह देखें। ओके, थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, दिल से आपको लाइक करता हूँ, प्लीज ये मेरा ऑडियो मैसेज दिखा देना। तो इस ऑडियो में आपने सुना होगा नवीन जी पहले भी, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है सब लोगों से, और ये भी उन्होंने बोला है कि इस शो में जो हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कंटेस्टेंट है, वो तो बाहर जाके सेट हो जाएंगे, दोस्त बन, हम लोग लड़ते रहेंगे। हाँ, इनका नाम है राजवीर, ये अमृतसर से, इन्होंने बहुत अच्छा ये भेजा है कि भैया ये गेम शो है, इनको पैसे मिलते हैं। हाँ। और ये बड़ी सही बात कही है कि ये तो बाहर जाके ठीक ठाक हो जाएंगे, हम लोग आपस में, तो इसलिए इन्होंने अपील की है कि गालियां मत दो और एक दूसरे के साथ झगड़ा न करो। हाँ। यहाँ पे गाली से याद आया। हाँ। तो मैं ना, मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कहते हैं ना बचपन में कि कोई बच्चा बहुत प्यारा लगता था तो माँ उस पर काला टीका लगा देती थी। हाँ। तो यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे भी आपके इतने प्यारे प्यारे, इतना अच्छा आपने बड़ा बना दिया हमारे चैनल को, इतने अच्छे मैसेज आते हैं कि आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को बहुत पसंद करते हो, वहीं पे कोई ना कोई काला टीका भी नजर लगाने को आता है। ऐसे कल एक ऑडियो मैसेज आया मुझे, वो मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो कर नहीं सकता। तो उन्होंने इतनी गंदी गालियां निकाल के ना, कर्नाटका से आया है। नाम क्या? तो नाम उनका था मोहित कुछ का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कर्नाटका से मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि यार तुम कुछ अंग्रेजी में बोलो, गालियां भरपूर, और बाद में हाय हाय भी की उन्होंने। तो उन्होंने ये नहीं, माहिरा शर्मा के फैन है वो, तो माहिरा शर्मा के फैन ने कैसा, मतलब जैसा माहिरा वैसे फैन। लेकिन फिर भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा
करूंगा कि मैसेज भेजा तो सही आपने, तो धीरे धीरे आप मतलब गाली से अच्छे मैसेज आ जाएंगे, हमें विश्वास है। दरअसल ना आज जैसे मेरे लाइव वीडियो में भी काफी सारे लोगों ने ये बोला कि कंटेस्टेंट को गाली निकालते हैं, तो वहां पे भी मैंने बोला था कि जो गाली निकालने वाले होते हैं ना लोग, वो मानसिकता उनकी मतलब वो बीमार होते हैं, तो उनके लिए सिर्फ दो ही शब्द है कि गेट वेल सून, है ना। तो ये है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें खत्म नहीं होगी बात, तो आगे मैं आपको एक ऑडियो सुनाती हूँ नवीन जी, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑडियो है। हेलो, गुड इवनिंग नवीन जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, वी ऑल लव यू सर। आज थोड़ा सा आप दुखी होंगे, सिद्ध और नास की जो दोस्ती हो गई है सॉरी आप ऐसा नहीं सोचेंगे, मुझे पता है, लेकिन अब देखो कितने लोग जलते हैं सिद्ध और सना की जोड़ी से। अभी क्या है, हम लोग बहुत बहुत खुश हैं कि इन दोनों की फिर से दोस्ती हो गई, फिर से पैचअप हो गया है। एक बात है सर कि आसिम ने बहुत ट्राई किया था सना को अलग करने के लिए और अलग भी हो गए थे। आप पहले के जब आसिम बता रहा था सिद्ध को कि सना ऐसी है, सना वैसी है, और लोग तो अभी रिव्यू में ये भी कह रहे हैं आपसे कि सना ने आसिम के साथ डिब्बे मार के गलत किया। नहीं, वो दिल से नहीं मारती है। अभी दुश्मनी की जो बात बोली थी ना सना ने, वो भी दिल से नहीं बोली, उसने बोला है। तो सर आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज सना को। जा को रख साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके सिद्ध और नाश की जोड़ी। कल एक इंसिडेंट हुआ था बिग बॉस के घर में, सब लोगों को बड़ा पसंद आया था। इनका भी वही कहना है कि जो सिद्ध और जो इसकी दोस्ती हुई है सना, सब लोग बड़े खुश हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुशी नहीं हुई है। डेफिनेटली यार, वो तो मैं देखा पारस जैसे आया था उसने देखा, वो तो कमाल था ना। नहीं, ये पारस की बात नहीं करते हैं, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कमेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो उनसे जलते हैं, तो खैर जलने वाले भी, जैसे पहले नवीन जी ने बोला चाहिए, तभी तो मजा आएगा, तड़का लगेगा गेम शो में, नहीं तो सब सीधा सीधा खेलेंगे तो हम भी नहीं देखेंगे, तो ये थोड़ा सा प्लस माइनस चलता रहता है। बट आपने ऑडियो बहुत प्यार से भेजा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे मैं अजू जी, एक और ऑडियो है, हमारे एक बहुत ही रेगुलर फैन है तो सरबजीत मुखर्जी जो हमारे दर्शक है जो भेजते रहते हैं, और उन्होंने लाइव वीडियो में भी उनकी शिकायत है कि उन्होंने मैसेज किया तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो मैं सबसे पहले उनसे क्षमा का प्रार्थी हूँ कि मैं लाइव वीडियो में आपका मैसेज नहीं पढ़ पाया, तो ये ऑडियो उनका हम शेयर करते हैं। हाय, मेरा नाम है सरबजीत मुखर्जी, मैं आपका शो रेगुलर फॉलो करता हूँ, बिग बॉस के बाद जब आप लाइव आते हो मैं उधर रेगुलर कॉमेंट करता हूँ। कल मैंने एक कॉमेंट किया था, शायद आपने पढ़ा नहीं, कि मुझे एक बात देवोलिना के लिए बोलना चाहता हूँ कि देवोलिना ये जो मीटू वाला जो आप गेम खेलते हो ना, इसे आप बंद करो। और एक बात, मायरा को यार सीरियसली कब निकालोगे ये बिग बॉस पता नहीं, मायरा को पूरा निकाल दो इस घर से। जब तक मायरा है ना, मतलब कान में उसका आवाज लगता है। तो मीटू अभी भी चालू है देवोलिना का, ये अभी जाके घर वापस भी आ गई है, मीटू नहीं गया उसकी लाइफ से। चलिए इनका आगे भी हम एक कमेंट सुनते हैं। सरबजीत जी ने दो तीन ऑडियो भेजे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने शामिल किया। अगला आप सुनिए, उसमें वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट की बात कर रहे हैं। टॉप सिक्स कौन से? फॉर माई नॉलेज, अगर आप टॉप सिक्स देखना चाहते हो तो टॉप सिक्स में जा सकता है सिद्धार्थ शुक्ला, भाव, शहनाज, हिमांशी, शेफाली जेरीवाला, आसिन और आदित्य जो नया आए हैं, वो ये तो जा सकते हैं टॉप सिक्स में। अगर फाइनल में अगर कोई जाएगा, टू कॉन्टेस्टेंट बचेगा ना फाइनल में, अगर दो कॉन्टेस्टेंट फाइनल में बचेगा वो मेरे ख्याल से बचेगा, फाइट होगा सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बीच, ये मैं बोल सकता हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला या आसिम, इन दोनों ही पूरा फाइनल में जाएगा। अब मायरा का शक्ल में देखना चाहता हूँ जब वो घर से नॉमिनेट होता है। मायरा बोलती है ना, कल आरती के हाथ पैर पड़ रही थी, आप प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो, मैं ये हूँ, प्लीज बचा लो। यार तुम अभी तक तो आई पारस के वजह से ही, तुम अभी तक इस बिग बॉस के घर में आई, अगर पारस तुमको नहीं बचाता तुम कब की नॉमिनेट हो गई होती। और सलमान सर ने भी बोल दिया कि यू आर अ
ड्रामा क्वीन, सो तुम्हारा ड्रामा बंद करो, पब्लिक सब देख रहा है। और रश्मि को एक बात बोलना चाहता हूँ, रश्मि इतना गुरु अच्छा नहीं है, किसी का भी जब टाइम आएगा ना तुम उसका ही हेल्प लोगे, और तुम शिकला के टीम में ही जाओगे, ये लिख लो। तो ये थे सरबजीत मुखर्जी के टॉप सिक्स। और नवीन जी आपने नोट किया क्या टोन थी उनकी माहिरा और रश्मि को लेके? माहिरा को तो कह रहे उन्होंने लपेटा, और रश्मि को उन्होंने बोला कि रश्मि इतना गरूर मत कर, गरूर अच्छा नहीं है। आप देखो कि दर्शक है और क्या क्या सोचते हैं और कैसे कैसे चीजों को मतलब पढ़ लेते हैं, कितने समझदार लोग हैं ना। तो इनकी बड़ी इच्छा है, आपने सुना ही होगा, सबने सुना है कि माहिरा जब घर से बाहर हो, इन्होंने नॉमिनेशन शब्द यूज किया बट मुझे लगता है एविक्शन यूज करना होगा, कि तब उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन है वो देखना। मैं आप एक ईमानदारी से बात बताऊं, मतलब ये मेरी भी इच्छा है सबकी होगी कि वो रिएक्शन जब माहिरा एविक्टेड, वो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि यार वो कैसा होगा सीन। और इन्होंने ये बड़ा अच्छे से पकड़ा कि अभी तक जो चल रही पारस की वजह से आगे आई है, अपने आप में उसमें दम नहीं है। खैर सरबजीत जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने सारी ऑडियो जो भेजी आपके बड़े अच्छे हैं और आपने सही में अच्छे से चीजों को पकड़ा है। तो अगला ऑडियो भी नवीन जी माहिरा के बारे में, तो माहिरा का एक और आज की शाम फिर माहिरा के नाम। हेलो सर एंड मैडम नमस्कार, हमें मेरा नाम इडन भटिया, मैं सिक्किम से ये आपको भेज रही हूँ कि मुझे वो सिद्धार्थ बहुत ही अच्छा लगता है और उसका टीम भी बहुत अच्छा लगता है, और वो माहिरा जो माहिरा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो एकदम जैसे जैसे लगता है जैसे कि एक होता है ना विलेन टाइप की लड़की होता है ना गुंडी टाइप की वैसे लगती है। और मैं आपकी वो हंग्रीस पर देखा तो अच्छा लगा ये शो मुझे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया माहिरा विलन है और शुक्ला जी जो है उनको हीरो लग रहे हैं, बढ़िया है, माहिरा पसंद नहीं है। तो खैर इसकी चर्चा हम पहले भी बहुत कर चुके हैं, माहिरा को सपने में भी हम लोग आने वाले हैं, इतनी हमने चर्चा की है। तो खैर थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। अब एक लास्ट ऑडियो है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा। हाँ डिफरेंट आएगा, मैं ना ये जो जी सोच रहा था कि दर्शक ये इतना सोचे कि हम जानबूझ के रश्मि का और उसका तो ऑडियो चेयरिंग करते कि हम माहिरा शुक्ला को अच्छा, भैया आते नहीं है आप भेजिए, आप भेजिए फिर आप लिखिए कि हमारा हमने भेजा था, हमने आपने शेयर नहीं किया, बट बिना गाली गाली वाला ऑडियो और वीडियो दोनों हम नहीं करते हैं शेयर, ठीक है। तो ये आप सुनिए, इसमें थोड़ा डिफरेंट जैसे मैंने बोला आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मुझे ना सच में हिमांशी की हर चीज में नौटंकी लगती है बाबा, जैसे ही लोगों ने हिमांशी का नाम लेना शुरू किया इसकी खाओ 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 शुरू हो गई। ये पक्का एक्टर है, बहुत गंदी है, मतलब मे बी इसकी तबीयत खराब होगी मुझे नहीं पता उस बारे में, पर हाँ इसने फिर ज्यादा दिखाना भी शुरू किया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। देखिए ये मैंने वीडियो बनाया था, देखो ये मैंने नहीं सुना पहले, हाँ अच्छा ना, ये सेम चीज मुझे भी महसूस हुई, हाँ। मुझे लगा यार ये ऐसे कैसे थे, ये वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हिमांशी की नौटंकी इनको नहीं पसंद आई है, ये नीरू है जिन्होंने ये वीडियो ऑडियो भेजा है। तो ये थे हमारे आज के ऑडियोज और वीडियो जो आपने देखे। तो आपको कौन से नंबर पे अपने ऑडियो वीडियो भेजने हैं नवीन जी? 7770029038। और ये रही उसकी प्लेट। तो दोस्तों ये था आज का घर घर बिग बॉस, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और ऑडियो वीडियो जरूर भेजिएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.